ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की लॉयन फोटो एडिटिंग। तो गाइस, जैसा कि हिम्मत सिंह का ये वाला जो कॉन्सेप्ट है गाइस, इसको आज हम एडिट करने वाले हैं। एंड गाइस, इसमें जो भी बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइस, वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर हिम्मत सिंह आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो गाइस इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को भी जाकर देखना जरूर। एंड बाकी गाइस, अभी तक आप सभी ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जरा वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि यार आप सभी के लिए मैं ऐसे अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड गाइस, अगर आप लोग ऐसी फोटो का एडिट करते हो तो गाइस आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलना गाइस, क्योंकि यार आप लोग जब मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग कर दो तो गाइस मैं आप लोगों की पोस्ट कर अपनी स्टोरी में मेंशन करता हूं, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग जरूर करना। बाकी चले गए आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, आप सभी को सबसे पहले करना क्या है गाइज, आप सभी को अपनी फोटो को पहले गाइज किसी भी जगह पे ऐसे तरीके से पोज में आपको फोटो क्लिक करवा लेना है। देन गाइज, आपको उसका बैकग्राउंड रेस करने के लिए यहाँ पे यूज करना है आपको ड्रो टूल का यूज करना है गाइज। ड्रो टूल में आपको अपनी फोटो ले जाने के बाद लेयर को सिलेक्ट करना है, इरेजर टूल में जाकर गाइज आपको यहाँ पे साइज को सिलेक्ट कर लेना है। एंड गाइज, उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो को अपनी जूम करना है, ठीक है? तो मैं फोटो को जूम करके ना फटाफट से आपको इरेज कर लेना है। तो गाइज, मैं इसको यहाँ पे फटाफट इरेज कर लेता हूँ, देन गाइज मैं आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस। ओके गाइज, सो हमने तय कर लिया गाइज। अब गाइज आपको ये लेना है बैकग्राउंड को लेना है गाइज, ठीक है? इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देन गाइज, आपको जाना है यहाँ से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज यहाँ से लेना है आप सभी को अपने मॉडल को जिसका भी हमने बैकग्राउंड रेस किया था, ठीक है? उस मॉडल को लेना है। देन गाइज, उसके बाद आप सभी को यहाँ पे फिर क्या करना है गाइज, आपको जो मॉडल है गाइज, ठीक है, यहाँ पे मॉडल को आपको ऐड कैसे करना है गाइज, वो चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखना है। एंड गाइज, मॉडल को जो है मतलब कि आपको जो मॉडल का हैंड दिख रहा है गाइज, आपको इसका हैंड जो है गाइज वो आपके जो लॉयन है गाइज उसके एयर के पास आना चाहिए, यानी कानों के पास उसका हैंड आना चाहिए, तभी गाइज मतलब कि जब मॉडल है थोड़ा सा साइज ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। अगर मॉडल का साइज अगर छोटा रह गया तो फोटो यार फेक सी लगेगी, नकली सी लगेगी, तो जिसकी वजह से यार हमारी एडिटिंग इतनी अच्छी नहीं दिखेगी। तो गाइज, आपको मॉडल को जो है बड़ा रखना है यहाँ पे, एंड जो आपका हैंड होगा गाइज वो आपके लॉयन के एयर के पास आना चाहिए, ठीक है? तो यार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपका जो हैंड है वो लॉयन के कानों तक आना चाहिए, तभी गाइज उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे मॉडल को ऐड करना है, ठीक है? इतना कर देने के बाद गाइज यहाँ पे आपको सिंपली कर देना है डन। फिर गाइज यहाँ पे क्या करना है आप सभी को, अब गाइस यहाँ से जाना है आप सभी को यहाँ से ऐड फोटो में, ठीक है? तो यहाँ से हम ऐड फोटो में चलते हैं, क्योंकि गाइस हमें यहाँ पे एक पीएनजी ऐड करना है, तो यहाँ से हम ऐड फोटो में जाएंगे। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से हम ऐड करेंगे ग्रास का पीएनजी, ठीक है? तो ग्रास का पीएनजी गाइस इसको क्या करना है गाइस, ये थोड़ा ब्लर पीएनजी है गाइस, इससे क्या होगा कि एक रियलिस्टिक सा लुक आएगा, इसलिए गाइस मैंने पीएनजी आप सभी को दिया है। आपको क्या करना है गाइस, आपको कुछ स्टेप्स ऐसे फुल स्क्रीन करके लगा देना है, एंड गाइस आपको कुछ स्टेप्स लगा देना है, ठीक है? तो ऐसे लगा दोगे तो गाइस ये दिखे लगेगा कि मतलब कि किसी ने मतलब कि आपके किसी घासों के पीछे सामने से आपकी फोटो को क्लिक किया है, ठीक है? तो इस टाइप का लुक देगा ये। देन गाइस आपको क्या करना है, आपको जाना इफेक्ट वाला ऑप्शन में, यहाँ पे जाना आपको ब्लर में फर्स्ट ब्लर लेना आपको गाइस। इसका जो ओपेसिटी है गाइस यहाँ पे रखना आपको उसको अराउंड 3 तक, ठीक है? 2 या 3 तक रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है गाइस, ठीक है? आप सभी को 2 या 3 तक रखना है। एंड गाइस उसके बाद इरेजर टूल में जाकर इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना गाइस, ब्रश को लेने के बाद गाइस साइज को अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। देन गाइस आपको थोड़ा सा ना अपने फेस के ऊपर से पेंट करना है गाइस, ठीक है? इससे क्या होगा कि गाइस अभी आपको उसको पेंट करना है। देन गाइस अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि गाइस ये मैंने आपसे ये क्यों करवाया है, ठीक है? तो अभी हम इसको यहाँ पे पेंट करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि मैंने आपसे इसे क्यों करवाया था, ठीक है? तो हम फटाफट कर लेते हैं इसको। सो गाइस यहाँ तक हमारा हो चुका है, अब गाइस इसको डन करते हैं। एंड गाइस अब मैं बताता हूँ आप सभी को क्यों करवाया था। तो गाइस आप सभी को यहाँ से जाना टूल्स में, ठीक है? तो टूल्स में चलते पहले यहाँ से, एंड टूल्स में जाने के बाद गाइस यहाँ पे जाना आप सभी को एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद गाइस यहाँ पे लेना आपको सैचुरेशन, एंड इसका सैचुरेशन आपको माइनस कर देना है गाइस। ये मैंने गाइस इसलिए करवाया था क्योंकि गाइस आपके जो फेस होंगे गाइस उसमें गाइस आपके अलग अलग तरीके की यार लाइटिंग आएगी होंगी, तो जिसके वजह से गाइस आप सैचुरेशन को माइनस करोगे तो सारी चीज़ें एक जगह पे मैनेज हो जाएगी, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपको अपनी फोटो को सेव कर लेना है, एंड इसको लेकर चलना है लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस आपको जाना है इस लाइट वाला ऑप्शन में, आपको साइड में दिख रहा होगा, आपको सिंपली लाइट वाला ऑप्शन में जाना है।
देन गाइस इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आगे की तरफ बढ़ा देना है। एंड गाइस उसके बाद आपको थोड़ा सा जो हाईलाइट है गाइस इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। एंड गाइस यहाँ पे आपको मिलेगा शेडो, आपको गाइस थोड़ा सा शेडो बढ़ा देना है। एंड गाइस यहाँ पे जो व्हाइट है गाइस इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे माइनस की तरफ रख देना है। देन गाइस यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लैक, ब्लैक को जो है गाइस आगे की तरफ बढ़ा देना है। अगर गाइस ब्लैक आगे बढ़ा दोगे तो गाइस आपकी फोटो में जो ब्लैक डार्कनेस होगी वो खत्म हो जाएगी। फिर गाइस आपको जाना है कलर्स वाला ऑप्शन में, इसकी वाइब्रेशन को आपको बढ़ा देना है एंड टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर देना है। फिर गाइस यहाँ पे जाना है आपको कलर मिक्स में, कलर मिक्स में जाने के बाद गाइस यहाँ पे ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर देना है, ल्यूमिनस बढ़ा देना है। फिर गाइस इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, फिर लेना गाइस आपको येलो कलर, आपको गाइस इसका जो ह्यू है गाइस इसको आपको माइनस की तरफ कर देना है एंड सैचुरेशन प्लस की तरफ। ह्यू गाइस इसलिए माइनस करना ताकि जो आपका लोइन होगा उसका कलर जो है मैनेज हो जाएगा। फिर गाइस आपको ग्रीन कलर में जाकर इसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देना है एंड लेना आपको येलो ब्लू कलर, ब्लू कलर में जाने के बाद थोड़ा सैचुरेशन माइनस कर देना है और ह्यू को भी आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद गाइस आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आप सभी को डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना है। एंड गाइस उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, आपको जाना है इस वाले टूल में, आपको गाइस यहाँ पे थोड़ी सी फोटो की क्लियरिटी को बढ़ा देना है। एंड गाइस यहाँ पे विगनेट मिलेगा, गाइस आपको थोड़ा सा विगनेट डाल देना फोटो में अपने अकॉर्डिंग। देन गाइस आपको क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड गाइस उसके बाद जाना आपको नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको थोड़ा सा शार्पनेस बढ़ा देना है। एंड गाइस यहाँ पे थोड़ा मिलेगा नोड रिडक्शन, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड उसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोड रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस हमारी जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूँ यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यार मैं आप सभी के लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी चले गए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।